एक और इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग संयोजक पीएम उम्मीदवार पर मंथन से आगे नहीं बढ़ रहा, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन बिहार की तैयारी शुरू कर दी है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को साधने आ रहे हैं। 27 जनवरी को पीएम मोदी का पश्चिम चंपारण का दौरा है। यहां पीएम मोदी न सिर्फ करोड़ों की योजना की सौगात देंगे बल्कि लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद भी करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के शंखनाद से पहले मिशन बिहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं। पश्चिम चंपारण के सुगौली में इंडियन ऑयल प्लांट का उद्घाटन करेंगे, फिर बेतिया से पटना, मोतिहारी से रक्सौल एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। सुगौली से लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद करेंगे। पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 27 जनवरी को बिहार में मेरे लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं। 27 को सुगौली के पास जो छपरा बहास में इंडियन ऑयल का टर्मिनल है, न केवल उसका उद्घाटन होगा बल्कि उसके साथ ही नेशनल हाईवे रक्सौल से लेकर पिपरा कोठी तक का भी उद्घाटन होगा। छपवा से बेतिया का जो नेशनल हाईवे बना हुआ है उसका भी उद्घाटन होगा। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले बिहार पर फोकस करने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार बिहार में चुनावी समीकरण बदला हुआ है। पिछली बार नीतीश कुमार साथ थे, जो इस बार मुख्य विपक्षी नेता की भूमिका निभा रहे हैं। धनंजय, जी मीडिया, बेतिया। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।